एक दिन एक फकीर दरिया के किनारे इंतजार कर रहा था। किसी ने पूछा कि ऐ फकीर आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहने लगे मैं इंतजार कर रहा हूँ। पूछा गया किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वो कहने लगे कि मैं इंतजार इस चीज का कर रहा हूँ कि ये पानी बहकर चला जाए तो मैं दरिया पार कर लूंगा। तो वो हंसा और मुस्कुरा कर कहने लगा कि बाबा जी इस तरह तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप कभी दरिया पार नहीं कर सकेंगे। तो फरमाया कि मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैं ये काम कर लूँ उसके बाद इबादत इलाही करूँगा, ये कर लूँ उसके बाद मैं नमाजों की तरफ आ जाऊँगा, ये काम कर लूँ फिर मैं हज कर लूँगा, फिर मैं खिदमत कर लूँगा, तो ज़िंदगी तो इसी तरह गुजर जाएगी और कभी ये मौका नहीं आएगा। इसलिए इन्हीं मसरूफियात के अंदर ही हमें अल्लाह का जिक्र भी करना होगा, नमाज भी पढ़नी होगी, हज भी अदा करना होगा और सारे काम करने के साथ साथ इबादत इलाही में भी मशगूल रहना होगा।